जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा महोदय। सुंदर भाव में आपण मैंने देखुंत महाप्रभु मुखारविंद श्री जगन्नाथ प्रतीकात्मक विग्रह पति तपावन जगन्नाथ दर्शन रे हुए तो व्याघात सृष्टि पारे किंतु 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 महाप्रभु श्री पति तपावन दर्शन सदा बेल आपण मैंने सिंह द्वार रे पाई पारिबे। सेइतिपाई महाप्रभु पतित मानको उद्धार करिबा पाई आमे माने समस्ते पतित महाप्रभु एकमात्र होचंती पावन जहाँ को दर्शन करिबा पाई लक्ष लक्ष कोटि कोटि संख्या रे भक्त सदा बेल पाई चल चंचल एवं महाप्रभु को दर्शन रे मुक्ति लाभ करंती। तेबे दर्शक बंधु जय जगन्नाथ टी परिवार तरफ आपण मानको समस्तंकु शुभ संध्या। ओडिसा रे तथा ओडिसा बाहर रहउथिबा एवं देश बाहर रहउथिबा समस्त अगणित जगन्नाथ प्रेमी मानंकु शुभ संध्या। देखुछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ जजाग्रत दूर मुदैति दैवंत सुप्तस्य तथैवैति दूरंग मन ज्योति खान ज्योति रे कंतन मे मन शिव संकल्पमस्तु हरिः ओम। सर्वशुभंकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ सारा भारत वर्ष रे एकमात्र देवता जिए सबु हेई पारंती। आज पुष्याभिषेक यात्रा महाप्रभुंकर आज पुष्याभिषेक यात्रा बार मास रे 13 यात्रा भितरे एक अनन्य यात्रा यार अर्थ महाप्रभु राम हुवंती महाप्रभु कृष्ण हुवंती महाप्रभु बामन हुवंती महाप्रभु नरसिंह हुवंती सबु महाप्रभु हेला बेले अन्य माने केही जगन्नाथ हो पारती ना। ये गोटे स्वतंत्र महाप्रभु ओडिशावासी को ये भल पाई ओडिशावासी पाखे कारण सबु जगार भारत वर्ष कौन सारा पृथ्वी रे बुली आसवे केवल पाइबे कौन प्रसाद एकमात्र श्री जगन्नाथ जहाँ पाखक आसिले पाइबे कौन महाप्रसाद जेवण कटके छटके बराटके मुकती महाप्रसाद रे सादरे जन माने तरंती महाप्रसाद महामहिमंक प्रसाद जहाँ महाप्रसाद बस थोड़ा सा मिल गया तो साजु जो मुक्ति मिल गया। ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन महाप्रभु को दर्शन करने भक्त मैंने सिंह द्वार दुई हाथ टेकी आप देखु एठी एकमात्र अन्य जुआड़े गले आपण मुंडिया मारिबे जो जगह को आपण जातु चारिधाम महाप्रभुंकर बद्रीनाथ रामनाथ द्वारिकानाथ जगन्नाथ ये चारिधाम भितरे महाप्रभुंकर उत्तर द्वार बुली आसिबे बद्रीनाथ दर्शन एवं महाप्रभुंकर दक्षिण द्वार बुली आसिबे रामेश्वर रामनाथंक दर्शन महाप्रभुंकर पश्चिम द्वार बुली आसिबे द्वारिका धाम दर्शन महाप्रभु पूर्व द्वार जगन्नाथ पतित पावन दर्शन केते सुंदर दर्शन कहले चारिधाम बुली आसवा जहाँ एकमात्र जगन्नाथ महाप्रभु चारि द्वार बुली आसवा से जी फल प्राप्ति चारिधाम होती संत जगन्नाथ दास भाषा उत्कलीय भाषा उत्कलीय कवि भाषा सुंदर कथाटी आसे देखुंत महाप्रसाद मुंडे की आणुंत हो भोक बढ़ीगला महाप्रसाद देखला बेलू लगुच तो बोधे से कौन देखिए आउ टिके आगु को आसिले जणा पड़िबो जेबण कटके छटके बराटके मुकती महाप्रसाद रे सादरे जन माने तरंती। सेइति पई गोटे सुंदर कथा आसे महाप्रभु को दर्शन रे सकल तीर्थ तो चरणे सकल तीर्थ तोरी चरण रे ताहले काहीं की प्रभु आउ कुआडे जीबी ना रामेश्वर आउ जीबी ना द्वारिका जीबी ना मथुरा जीबी बद्रिका जीबी की कारणे मु आउ बद्रिका भी महाप्रभु जाई पारुनी जदी बा जीवा को बल अच्छी किंतु मन अच्छी किंतु शरीर अचल जदि शरीर अचल घरे रही जगन्नाथ को दर्शन कले चारिधाम इष्ट महाप्रभु तांको दर्शन आमे पाई परिबा एवं तांको पाइबा द्वारा चारिधाम दर्शन रो फल आमे पाई परिबा। तेणु समस्त स्थान रे बद्रिका रे स्थान रो इष्ट हला बेले रामेश्वर धाम रे स्थान रो इष्ट तो प्रतिपादन कला बेले द्वारिका रे द्वारिकानाथ रूप रे महाप्रभु द्वार कहाँ है शब्द रु द्वारिका शब्द आनी तो अरे कन्हैया द्वार कहाँ है
जल द्वारिका, भेंट द्वारिका, इतना बड़ा द्वारिका तूने जल द्वारिका बना दिया, यहाँ पे कहाँ द्वार कहाँ है? बलराम जी पूछे थे। तो बलराम जी ने पूछा, करे द्वार कहाँ है भैया? इसका नाम मिल गया, नाम क्या रखेंगे? यही मैं सोच रहा था, आपने बता दिया ना। क्या बता दिया मैंने? तूने क्या नाम रख दिया? क्या बोला तू? ना इसका नाम है द्वारिका। द्वार कहाँ है? शब्द रु द्वारिका। देवे यही द्वारिका धाम, ये तीन धाम किंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ धामटी सारा जगतर नाम को बहन करने सारा जगतर नाथ, यहाँ ओडिशा नाथ नुह, उत्कलनाथ नुह, लोक साहित्य रे लोक कथा रे जगन्नाथ जी महानता अच्छी, अन्य स्थान रे वेद वेदांत माने नेति नेति कहते हार मानि जाती। देखुं आप सिंह द्वार, ये गोटे कथा देखिले सिंह द्वार, दुईट सिंह पुरुष सिंह, पुरुष को सिंह सहित तुलना कराँ बंचव तो सिंह भि वंच, ये श्रृगाल भली बंची किसी लाभ नहीं, श्रृगाल को लोमुड़ी बोली कहती। कहीं लोमुड़ी कहती ना, से लांज जाक पल जाए, लोम जाक दिए, किंतु सिंह पंझा फुले कि ठिया हे। अरे बंचव तो सिंह भली बंच, सिंह जन्मरु राजा, ताकू कहीं अभिषेक करती ना। आज पुष्याभिषेक महाप्रभु जी कि पुरुष सिंह, राम राजा, राम राजनीति शिख, अर्थात स्वयं श्री रामचंद्र ठारु राजनीतिर अयम आरंभ। समस्त को समान देख, जहाँ श्रृंगबेर को जो मुक्ति देछंती, कैवर्त को सही मुक्ति देछंती, रावण को सही मुक्ति देछंती, दशरथ को सही मुक्ति देछंती, कैकेयी की सही मुक्ति देछंती, मंथुरा को सही मुक्ति देछंती, समदर सी निष्ठा पर गोविंद, तपक सण सहे धीर गोविंद। महाप्रभु जन समदरसी, सेतिपाई संत तुलसी कहले, अह नाथ रघुनाथ बिनु समदरसी नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तिनी वर दिनी भगवान। संत तुलसी का कलम, मंदोदरी का कथा, श्रीरामचरित मानस, ये सुंदर वर्णना। तेणु महाप्रभु कौन करती जगन्नाथ क्षेत्र रे? तांको प्रेम राज्य नहीं, असत्य असुंदर अन्याय अप्रिय बिंदु, उत्कलमणि गोपबंधु को भाषा रे तांकर प्रेम राज्य, ये राज्य को प्रेम राज्य ए भक्त हाथ टेकि दूँ। कहीं जुआड़े गले आप मुंडिया मारे, किंतु समस्त संप्रदाय शैव हूँ, गणपत्य हूँ, जे कई शाक्त हूँ, जे कई हूँ ना, कहीं अणचाश संप्रदाय भारत वर्षर देखा दिंती, समस्ते आसला जगन्नाथ को जितेबाला दर्शन कर दिंती, दुई हाथ टेक दिंती, आउ किसी स्तुति स्तोत्र पाठ करने को मन पड़ न था, कारण तांक स्तुति स्तोत्र स्तव सबु महाप्रभु ग्रहण करि नै थाले। तेणु जीव कौन करे ना, दी हाथ टेकी दिए, दी हाथ टेकी देला परे महाप्रभु कौन करती, ताको कोळेई नियोती, कोळेई नबार अर्थ गरुड स्तंभ को कुंडेई पकानी। आपण देखिबे महाप्रभु श्री जगन्नाथ सबु जगार गले मुंडिया मारिबे, जगन्नाथ पाखक आसिले कुंडेई पकेइबे, गरुड स्तंभ रे कुंडिया। ए पिलाटी एकडे सुंदर भाव देखुछंदी, पूरा एकदम बापा को धरी, बापा ताको धरिछंदी, सी बापा मुंड उपर बसि नाचुची, एपटे भक्त जन हाथ टेक दौरान, कारण कौन आम से जिते दृश्य जिते जगार देखा हाथ दी हाथ उठेदे, द्रौपदी भली भक्त आपे आपे पाखक आसिले जाए, ताकू किसी कष्ट सहवाक पड़े, बिना कष्ट द्रौपदी तो सब कष्ट सही सारे जितेबले निज उपरको आसला से पाइले दी हाथ को टेकिले, से पर्यंत हे गोपीनाथ विभिन्न प्रकार से डाकुंट, किंतु महाप्रभु कहले हाउ जहाँ डाकुच, हे जदुनाथ, हे गोपीनाथ, जहाँ डाकुचु डाकु था मुझे जाऊँगी, से रूपर तो पुणी जीवी जितेबले आराध्यर देवता हे मोर हृदयनाथ कही दुई हाथ टेकदेले, रखिले रख जगन्नाथ आउ नाही रखता, तुम्हें न रखिले भासिली शुणी हुओ चिंता। सेठी जगन्नाथ महाप्रभु कौन कले ना, स्वतंत्र गोटे अवतार धारण करने ले, जहाँ को कहगला सारी है ना नारी है, ना तो ये सारी है ना तो नारी है, इसके बीच में जो है वो गिरधारी है, बोल आनंद कंद भगवान की। जयध्वनि दौना सकाल संध्या बेलटे गोटे सुंदर भाव में महाप्रभु को आम दर्शन करुचे। आउ गोटे कथा लोक साहित्य कथा को जदि आम आसवा लोक कथार, विश्वर प्रथम साहित्य बेद आपण देखिए, विश्वर प्रथम साहित्य बेद जहाँ भारत प्रधान, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसस्तु पारे, आगुकु जीवा दरकार ना, विश्वर प्रथम महाकाव्य रामायण, रामायण कुल देवता महाप्रभु श्री जगन्नाथ, इक्ष्वाकु कुल दैवतम भागवत महाप्रभु, आमर सारा भारतर विश्वर
प्रथम अध्यात्म ग्रंथ जे कि भागवत भागवत रे महाप्रभु कृष्णस्तु भगवान स्वयं विश्वर सर्वप्रथम दर्शन भारतर दर्शन गीता श्रीमद भगवत गीता गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर जहाँ भगवान श्रीकृष्ण मुखर उच्चारित किंतु आश्चर्यर कथा जगन्नाथ पाखरे रामायण इष्ट राम एवं भागवत इष्ट कृष्ण ये भगवान आज्ञामाल पाइले चंदन यात्रा रे विजय करती ये महाप्रभुंकर आज्ञामाल पाइले जानी यात्रा रे विजय करती जगन्नाथ क्या कौन आज्ञामाल पाती ना बर सी होती आज्ञादाता आउ समस्ते आज्ञाग्रहिता अर्थ आज्ञा ग्रहणकारी एकमात्र आज्ञादाता आज्ञा प्रदानकारी महाप्रभु श्री जगन्नाथ ताको आज्ञार समस्ते चलते जगन्नाथ कह आज्ञा चलती तेणुक विश्वर प्रथम गल्प जोबले पंचतंत्र विश्वर प्रथम माने कहानी जहाँ आप देखिए कथा सरित सागर विश्वर सर्वप्रथम कथा विश्वर सर्व कहानी प्रथम कहानी जहाँ अश्वघोषर बुद्ध जातक ये सबुति समस्ते महाप्रभु श्री जगन्नाथ को आधार आधेय करी पाथेय करी ये सबुर सृष्टि करी सबुठारु गोटे श्रेष्ठ कथा विश्वर सबुठारु महान संस्कृति ताकि जगन्नाथ संस्कृति से जिते साधु संत सारा भारत बर्षर जेकोसी लोक आसिले जेकोसी स्थान आसिले जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जगदीश कहले किए सी कि ये जगदीश कहले जगन्नाथ जदिओ राम पाखे कृष्ण पाखे यह उच्चारण कराए तार अर्थ जगतर ईश जगतर ईश मान श्रेष्ठ बलिष्ठ बरिष्ठ सी हूँ केवल जगन्नाथ तेणु जगन्नाथ संस्कृति जहाँ वेद वेदांत पुराण इतिहास आप सारा भारत खोजी बुलवे एकमात्र जगन्नाथ दर्शन रे केवल लोकाचार विधि लोकाचार नीति रे आपण सबुजाक गोटे पटे रही महाप्रभुंकर लोकाचार नीति बहु ऊर्धरे रमि ना ये साम्य भाव समता भाव ममता भाव जगन्नाथ ठारू शिख लोककथार जमी माँ टीए छुआ सामान भाव देखे स्वामी पुत्र समस्त को बाढ़े सामान माने कौन ता महाप्रभु पाखे आप देखा पाइबे केमी ना तांको आनंद बजार जो पहुँची जी आम बसी जावा से कौन हुए कि समस्ते बसिकी एका सांगरे आम खाइबा एटी ना ब्राह्मण ना वैश्य ना क्षत्रिय ना शूद्र ये सबुर भेदाभेद ना एटी ना अफिसर ना चपरासी ये सबुर भेदाभेद ना ये हूँ समतार भाव महाप्रभु समस्त को सामान देखते कड़े सुंदर भाव में जड़े भक्त ठियागले चाहदेले पचे को तेणु एपटे हाथ जोड़ी कि हाँ ना ना भल भल सिंह द्वार सान देखुंत आपण मैंने एपटे अच्छा किए जो फटो उठाऊँ ना कौन लगुच अरे निश्चित भाव में पतित पावन पछरे आम महाप्रभु भक्त को सदा बेले आगे रखती यार अर्थ देखिले महाप्रभु पछरे अच्छे भक्त आगे अच्छा महाप्रभु को केवे कहे अरे मत कौन पछ करी तू गोटे फटो उठाऊ कि महाप्रभु खुशी लगे मो छुआ मो आगे मो छुआ मोटू आगे रही बापा माने माने खुशी हूँ कारण कौन ना जेतेबेले पितार परिचय रे पुत्र माने संतान माने परिचित हुवंती किंतु जो दिन संतान मानक परिचय रे पिता माता परिचय मिले सेतेबेले पिता माता माने निजकु गर्वित अनुभव करती तेणु भक्त लागि भगवान भक्तर परिचय रे भगवान कहती मु परिचित भी भक्त गोपीनाथ डाकिला मु गोपीनाथ भक्त जदुनाथ डाकिला मु जदुनाथ भक्त आत्मा राम राम कथा कहले तो चाहे जे राम त्रेताया युग जो राम से गोटे राम नुहंती से राम को दर्शन आसनी राम कथा कहले जे आरामदायक अति सरल नाम राम को कथा जदि आसे आज पुष्याभिषेक आज दंड छत्र नीति महाप्रभुंकर लोकनीति आप देखु माने समग्र अयोध्या जितेबले महाप्रभु अभिषेक हेले राम राज्य स्थापन करने राजा करागला अभिषेक करागला सेठी गोटे कथा आसे महाप्रभु प्रति वर्ष ये अभिषेक होषेक आनंदर कथा मार्गशीर मसने दुईट जाक युद्ध हुए रामायण युद्ध महाभारत युद्ध कारण आपण देखिए रामायण युद्ध जहाँ सरी केतेबेले ना मार्गशीर मसने युद्ध आरंभ होला युद्ध सरला पौष मसने महाप्रभु प्रत्यावर्तन कले प्रत्यावर्तन कलापर पहुँची जाइंट अभिषेक पूर्णिमा आरंभ होला कौदिन ना ये पुष्याभिषेक आज दिन में
जो महाभारत युद्ध होता मार्गशीर शुक्ल त्रयोदशी जहाँ गीता जयंती से दिन गीता श्रवण करते भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को अर्थ युद्ध आरंभ बेले गीता पाठ गीता श्रवण आ मार्गशीर मस तेणु दुईट जाक युद्ध मार्गशीर हुए एवं पौष मास रे सबु शांति से महाप्रभु दर्शन पुष्याभिषेक यार अर्थ महाप्रभु श्रीराम रूप रूप से पूजा करा जाए संत तुलसी से राम रूप से देखी थे आम कहते राम जड़े नुह एक राम राम जन्म हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका एक राम जगत पसारा दूसरा राम जगत संहारा तीसरा राम घट घट पे बेटा चौथा राम दशरथ का बेटा शंकर भगवान पार्वती कहते जन्म एक दुई कहू बखानी सावधान हुई सुनु सुमति भवानी अनेक लोक कहते कली जुगरे जगन्नाथ स्थापना आज्ञा भूल महाप्रभु सत्य जुगर विद्यमान नीलमाधव पूजा वृक्ष पूजा वृक्ष को सम्मान दियो जगन्नाथ शिख कौन देखिए आप दुईट आखि जेकि जगन्नाथ आम समग्र सूर्य पुराण जहाँ पढ़ा केवल सारा जगत को देखा केवल एकम्र महाप्रभु दक्षिण नेत्र को देखा अर्घ्य जल अर्घ्य दबा सूर्य नहांती जगन्नाथ अच्छा जल अर्घ्य आखिकी देखिक मन पक जल अर्घ्य दे दिं चंद्र पूर्णमी तिथि इष्ट चंद्र तेणुक महाप्रभुकर वामनेत्र चंद्र भास्कर दक्षिण नेत्र वामनेत्र विधुपमम आश्चर्य कथा जो चंद्र सूर्य उदय अस्त जहाँ अच्छी किंतु एटी जो दुईट जाक आखि देखुं ये सदा बेल सामान से श्रीमद भगवत गीता पंदर अध्याय दशम श्लोक कहा जाए न तद्भाषते सूर्य न शशाक न पावक यद्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम जी थे मो पाख को आसी जाए तार आबार बाट ना आश्चर्य कथा चारि वेद पाठ करेंगे आप चारि वेद पाठ करवा जी कष्ट जी समय जी दिन अवधि एकम्र जगन्नाथ दर्शन से मूल्य से प्राप्ति मूल्य नुहे प्राप्ति केमी ना आप देखते चारोटी जाक द्वार गोटे श्रेष्ठ कथा आप देखिए ऋग्वेदर द्वार जहाँ आप उत्तर द्वार सामवेदर द्वार पूर्व द्वार यजुर्वेदर द्वार दक्षिण द्वार अथर्वेदर द्वार पश्चिम द्वार ऋग साम यजुर् अथर्व न्याय चारि वेदर दर्शन ये महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति एपे तो आम पतित पावन को देखुचे आनंदर कथा भारत बर्षर कौन सी देवता आस्थान छाड़ी जाती ना लोक कथा ये ये लोक साहित्य महाप्रभु लोकों पर भक्तों पर मन मान आनंद करने भक्त विनोदन करने आनंद उल्लास मान प्रक्षालन करने महाप्रभु समस्त को आनंद उल्लास भरपूर प्रदान करने सिंहासन छाड़ी पलि आसती कौ देवता आप जातु रामेश्वर द्वारिका आप जोटि की जी कौ निजे जो प्रथम विग्रह जो स्थापना होती सी के सिंहासन छाड़ी आसती कि आपण को प्रश्न पचरा जाऊँ कहे छाड़ी आसती कहे नाई आ नाई तो ताले किए आसती ना आज्ञा जगन्नाथ आसती केमी आसती कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन कथा मन पड़ जाए स्नान गुंडी चाए बेनी स्वयं लीला जार कौन है स्नान आउ गुंडी चा ये दुईट जाक यात्रा रे महाप्रभु आस्थान परित्याग करी सीधा आसिकी पहुँची जाती स्नान रे स्नान मंडप रे गुंडीचा यात्रा रे आसी पहुँची जाती गुंडीचा मंदिर रे तेणु ताकू कौन कहगला स्वयं लीला बार मस तेर जात्रा भितर आज जमी पुष्याभिषेक जात्रा मंच स्नान रथ बरगति सायनम चायने द्वे पार्श्ववृत्ति शयन निवृत्ति प्रावरंच पुष्य पूजा दोल जात्रा महोक्षस्य पुण्य तृतीया दोल जात्रा दमनक महोक्षस्य पुण्य तृतीया चैव जाता यात्रा विधि निगदिता द्वादशानी नरेन्द्र आमर प्रोफेसर विश्वनाथ कुंटिया सुंदर ओडिया को माने भाषा साहित्य ओडिया भाषा बहुत उच्चकोटीर भाषा तत्कालीन समय रे बंगीय माने ओडिशावासी को एभली भाव में देखुले अति हीनमान्य देखुले अति हीनमान्य कहीं ना ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नए ओडिशा गोटे स्वतंत्र भाषा ना कहीं ना ना ए कौन सी पुराण इतिहास ये सब लेखा हैईनी कि है पारन महाप्रसाद आसूँ बोझे हैईनी कि है पारन अच्छा ओडिया जातिर इष्ट जगन्नाथ महाप्रभु पुणी तांकु कहिबो ओडिया जातिर कौन सी पुराण इतिहास वार्ता ये सब किछि हेइ पारिबो नै हौ आदि कवि सारला दास शूद्र मुनि सारला दास
ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ, ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମୂହ, ଏଇଭଳି ସନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଟୀକାକାର ଭାଗବତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ମିଳିଗଲା, ସେଇଠୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମାର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମାର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମାର ଜଗନ୍ନାଥ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିଅସି। ସେତିକି ବେଳେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଜନନୀ ଜନନାଥ ଉଚ୍ଚତେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଜନନୀ ପ୍ରିୟ ସେତିକି ଜନକ ପ୍ରିୟ, ସେତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟ। ଜନନୀ ଜନକ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜନନୀ ଜନକ ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜନନୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ଦେଶ ମାନେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଯାଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବିରାଜେ ବକ୍ଷେ ଦ୍ୱାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁହି ଟିକି ସେହି ମହି ଅସି ମହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅଟୁଆମ୍ଭର। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରିବା, ଯା କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ପରିଚୟ ଦେଉଛେ କେଉଁଠି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଘର ଆମାର, ଆମ ଘର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ। ଭାରତ ଭୂମିତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଲ ଯାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ପରେର ଉପକାର। ଓଡ଼ିଆ ସଦାବେଳେ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଓଡ଼ିଆ ତା ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ଅକଥା, କାରଣ ଏଠି ସର୍ବ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପଚାରକୁ ସଂସ୍କୃତି ନ କହିଲା ବେଳେ ଏଠି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ପୂଜା ହେଲାବେଳେ ଏଠି ସ୍ମାର୍ତ ରୀତିରେ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଏ? ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେନି, ପତିତ ପାବନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ପୁରୁଷ? ଯଦି ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ନାକୁଆସିଟେ କାହିଁ, ନାକଚଣାଟେ କାହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଜଣେ ନାରୀ ତା ନାକରେ ନଥୁନି ଲଗାଏ, ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ନାକରେ ନଥୁନି ଲଗାଏ, ନଥୁନି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ବା ନାକଚଣା ଲଗାଏ, ନାକ ଗୁଣା ଲଗାଏ। କାହିଁକି ଲଗାଏ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ନାକ ଫୁଲେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ତା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାକଟି ଫୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ନାକ ଉପରକୁ ଟେକିବନି, ନାକ ଟେକି କେବେ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନାକଚଣାଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି? ସାକ୍ତମ୍ ତତ୍ତ୍ୱେ ଚ ଶକ୍ତି, ଶାକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଦେବୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା, ତାଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଲୋକ କଥାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିରେ ପ୍ରଥମେ ଚାକର ଖାଇବ, ତାପରେ ମାଲିକ ଖାଇବେ। କେମିତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଯିବ, ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି କରି ଡ୍ରାଇଭର ଥିବ, ଭାଇ ତୁ ଖାଇଛୁ କି, କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, କ'ଣ ଖାଇଛୁ, ସାର ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ କେଜାଣି ଯଦି ଘର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଥିବ ମନେ ପଡ଼ିବ, କେଜାଣି କାହିଁକି କେମିତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ନିୟମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କେମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନା, ଆଗ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଇବା। ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଚାକର ଯେଉଁଠି ମାନେ ତାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାକର ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମାଲିକ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛେ, ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଦେହ ଖରାପ, ଆମକୁ କିଏ ନେଇକି ଯିବ? ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ମାଗିବା, ସେ କେଉଁଠି ଥିବ, ସେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଚାକରକୁ ସୁସ୍ଥ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଚାକର ତାପରେ ମାଲିକ। ଏଇଠି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ଲୋକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ କଥାର ଏତେ ମହାନତା, ଯେଉଁ ଲୋକ କଥା ଆଜି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କଥାଟି ଆଜି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେ ଜଣେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ଏ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସମୟ ଅସମୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ ଖେଚେଡ଼ି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଲେ,
तापर रथरे खाली से मुआ खई जा मैंने महाप्रभु को कुड़ा खजा गजा लड़ू बर्फी सब महाप्रभु को आम खुआईले आम जदि गोटे मीठा जगार दीटा मीठा खाइबा कह हे प्रभु आम मुठा खाइबी मो पटी बांधि दूची ना डायबिटीज देव से कह मीठा खाइबी कहे डायबिटीज कथा मन पड़गला महाप्रभु पाखे एमती प्रसाद लगुच समस्ते खाईपर आपण अन्य जिते जगह को जी आपर केमी खाइबे समस्त सीमित प्रसाद कौटी पूरी हलुआ पूरी घी छणाई थी मुझ डायबिटीज लोक मुझ घी जिनस खाइबि हालुआ मीठा मुझ खाइबी कि महाप्रभु पाखक आसिले ये मीठा पसंद करुवा लोक मीठार अनेक जिनस छपन भोग भितर अच्छी जो माने लुणी जिनस खाइबा को पसंद करते लुणी खुरमा ठार् विभिन्न प्रकार जिनस महाप्रभु पाखे अच्छी कांजी राई ठार् आरंभ कर एमती ठाकुर कांजी खिया ठाकुर पखाड़ खिया ठाकुर ओडिया जातिर मुख्य पखाड़ महाप्रभु पखाड़ पखाड़ एतिक विटामिन अच्छे एति प्रोटीन अच्छे आपने वैज्ञानिक पद्धति रिसर्च कले जानवे से ओडिशा पखाड़ दिवस पालन कै आश बाहर पखाड़ को तर्जमा कर पखाड़ कौन अच्छी तेणु तक लोकाचार संस्कृति को लोकाचार कथा को संस्कृति कहा जाए जहाँकि अन्य मानकर कथा को संस्कृति कहा जाए जेतेबेले बाहुडा जात्रा रे आसिले महाप्रभु बाहुडा गला सुनावेश गला अधरपणा गला नीलाद्री विजय दिन जीवे से चारि दिन जाक केवल सुखिला प्रसाद खाई खाई ए महाप्रभु आपण देखुना ये होंगे जगन्नाथ महाप्रभु आमर दुनिया रे किए एमती ना जी कौन करे ना चेईमा सोईबा लोकों को समस्त को जी आहार दिए समस्त को जी आहार दिए सी हूं जगतर नाथ जगन्नाथ से गोटे लोक कथा आसे जगन्नाथ का भात जगत प्रसारे हाथ लोक कथा ये या कौन सी कथार आसे ना यहाँ लोक कथा कहीं अन्न ब्रह्म महाप्रभु आउ गोटे आनंदर कथा एकादशी भली दिन रे अन्य कहारी प्रसाद खिया जाए एकमात्र जगन्नाथ महाप्रभु को महाप्रसाद ग्रहण करा जाए बाना पतित पावन बाना सिंहद्वार गुमुटरे महाप्रभु बसिछन पतित पावन महाप्रभु जी जेतेबेले धरी नियंतु श्रीक्षेत्र बासिए बा जे कई लोक हटात भितर को जाई परिबेनी चल महाप्रभु को एठी आगे मुंडिया टे मारी दे जीवा महाप्रभु कह बापा ठीक अच्छे जा जा तोर यात्रा मंगलमय हम तोर यात्रा शुभ हम कहीं से पतित को पावन करने बस तेणु महाप्रभु श्री जगन्नाथ कथा को जब भक्त जन मुंडिया मारिदे आपने देखुं भक्त जन मुंडिया मार्च कहीं दर्शन सारिकी से फेरिले महाप्रभु को दर्शन कले आसिले आश्चर्य कथा चारिधाम भितर आम कहते बद्रीनाथ रामनाथ द्वारिकानाथ जगन्नाथ ये महाप्रभु सब ओलटा ठाकुर ये मनीष जमी गोटे ओलटा मनीष ओलटा नुह गोटे गच्छे लगे चेरतक सब तले कौटी पादेश भूमि कि मनीषर ये भूमि पाद रखे तार केश जाक सब उपरे चेर जाक सब उपरे ज्ञान तले पा ढाड़े गच्छ बढ़ मनीष उपर पा पीब आउ ये मणि भगवान जगन्नाथ सब ओलटा दिय सब ओलटा कथा ऊर्ध्व मूल मधशाख अश्वत्थ प्राहुर व्ययम वृक्ष महाप्रभु एत सुंदर अश्वत्थ अश्वत्थ जहाँ आज अच्छी काली जहाँ माने थिला काली की जहाँ न रहिबो स्थिति कथा तेणु एठी गोटे कथा आसी समस्ते पूर्व द्वार रे जिबे किंतु महाप्रभु को अयम आरंभ उत्तर द्वार रु महाप्रभु उत्तर द्वार रे प्रथमे जाती केमिति महाप्रभु उत्तर द्वार रे प्रथमे जाती ना सब उत्तर रो उत्तर से द्वार रे ए द्वार पूर्व द्वार भक्त माने जिबे महाप्रभु जानी यात्रा रे आसीबे जिबे किंतु नवकलेवर समय रे दारु सगड़ी जेतेबेले आसे महाप्रभु को उत्तर द्वार देकि आसे से दारु सगड़ी उत्तर द्वार बाटे जीव उत्तर द्वार रे ही यज्ञ हम आज गोटे दिन वर्षक यज्ञ महाप्रभु पाखे आउ वर्ष सारा यज्ञ ना पुणी जा नवकलेवर समय रे महाप्रभु को सात दिन सप्ताहव्यापी यज्ञ हुए कहीं आउ यज्ञ ना कहीं यज्ञ यही ना महाप्रभु रोषशाला हूँ यज्ञ घर ताकु यज्ञ स्थान यज्ञ अन्न बोली कहा जाए यज्ञान जहाँ चारु चरु अन्न जहाँ को खाइले बंध्यादोष दूर हो जाए भक्तिर सहित आप खाइबे बंध्यादोष बंध्यादोष कहले कौन लोक कथार जे दीर्घ दिन धरी संतान संतति जन्म कर जहाँकर संतान संतति पाइबार सौभाग्य न थाए से मानकर बंध्यादोष दूर होता है केवल एकमात्र महाप्रभु महाप्रसाद सेवन ता यज्ञ अन्न ताकू यज्ञान कहा जाए चरुअन्न कहा जाए पाकान्न कहा जाए महाप्रभुरा
श्री जगन्नाथ महाप्रभु रोषशाला कथा ये आउ जिते जगार देखिए एटी गोटे कथा कहे आप बाहर जगार सब ग्यास फ्यास आरंभ करते सुना हंडार रोसई हो कि महाप्रभु जी हाँ फोपाड़ी दियंतीतक के सुनाठू पचरे कहीं मटिक सम्मान दिंती महाप्रभु मटी हाँ रोसई लोक कथा ये कहीं ना मो ओडिया जाति जिते बड़े रोसई करूला कुंभार सृष्टि से ही महाप्रभु कर महाप्रभु हाँ न खाइबे से महाप्रभु कहते हाँ खिया ठाकुर आम जगन्नाथ को लोक कथा कहा जाए हाँ खिया ठाकुर कारण पुणी बढ़ा जाए ना तेणु तार ना अबढ़ा लोक कथार अबढ़ा ठीक लोक कथार अभढ़ा ठीक केमिति ना सीधा रोसई है जो अन्न हाँ बाई हाँ आपण अन्न रहा जो व्यंजन सब प्रस्तुति करागला से सब सीधा जा महाप्रभु पाखे लगला सी आउ कौ था आसलानी महाप्रभु कहले हाँ मोपी ठीक से भोजन दि बड़ खिया बोली तोते डाकती जगत महाप्रभु बड़ खिया भाई खाइला बाला किए ना आस्तविक ओडा भाई जी भी ओडा आते नेता अभिनेता जी आशा खावाक पसंद करती कहीं ता माने कौन आम ओडावासी पसंद करते ठीक तार श्रेय जीव महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु खाइबा ठाकुर खुआईवा ठाकुर ये महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु खाती जमी खुआती सेमती प्रेम राज्य ना असत्य असुंदर अन्याय अप्रिय बिंदु प्रेम राज्य ये होंगे प्रेमर ठाकुर आपण गोटे भल कथा देखिए जगन्नाथ महाप्रभु जितेबले श्रीराम कथा आसे जयंत काक माँ जानकी पाद को चंचुआघात कै दुईट कथ आसे ये गोटे हाँ टे देख ये गोटे हाँ नहीं आस प्रसाद पाई सारापर से हाँ सुहा से पुणी मटी में मिशिजी ता जिनस फेरेदे महाप्रभु कह उधार रखती महाप्रभु कह उधार रखती आप चिंता करूना एमती ठाकुर ये शिव भगवान पथर जगाऊँच काठ काठ कौन गोटेपटे जलुले भी अन्नटी शीतल शिवा पथर जगा काठ बाकी देवता माठ माठ बाकी जिते दिय तैयारी करेंगे मूर्ति गढ़े प्राण प्रतिष्ठा करेंगे किंतु कौन करेंगे ताकि माजी मुजी माठी मुठी आउटे तरले विभिन्न प्रकार कर गठन करेंगे किंतु जगन्नाथ ना चौराशी जबर ठाकुर चौराशी जबरे महाप्रभु प्रस्तुति मनीषर निज हाथ में मापीदे चौराशी अंगु प्रत्येक मनीष कहीं कहबनी जे महाप्रभु मु भक्त अधीन मु भक्त जहाँ मुझे निज को केवे बड़ मन करती जगन्नाथ महाप्रभु आउ गोटे एमती कथा ये बसी से जुआड़ी के चाहिए आपत देखिए महाप्रभु सम मुझे सी किए गोटे कण से ठिया महाप्रभु देख लु ना मुझे दर्शन कली अरे तू देखिलु ना भाई मुँह तो ये थी देख ली सी लोक मोड़ दस हाथ दूर से सेपटू अच्छे कौच देख ला जी मो पचर अच्छे सीए कौ जी बांपट अच्छे सीए कौ भाई केमी से देखिले किमी देखिले यार अर्थ कहीं देखती महाप्रभु एमती भाव में बसंती एमती भाव में गढ़ से एमती निज को निजे गढ़ी सीए समस्त देखु थवस्ते देखिलु बोली कहती ये हूँ महाप्रभु कथा देखुं सिंहद्वार बर्तमान टी फाका कहीं फाका बर्तमान शून्य देखुं फाका तो अलग कथ शून्य देखुं लोक कथा फाका महाप्रसाद बोझे आसूँ ये महाप्रसाद बरा दि अभड़ा ये महाप्रसाद घोड़ेक निवन खोलार जीव जिते बाट जाऊ कारण तार बास्नारे अनेक लोकंर मुक्ति हो जाए महाप्रसाद केवल बास्ना आघ्राण कारण ये महाप्रभु निजे बास्ना भोगी ठाकुर महाप्रभु निजे जदि खाई था तो ये हाँ कड़े आसता है महाप्रभु कह मत समर्पण कल तुम्हें मानने ग्रहण कर से महाप्रभु ये दर्शन सुंदर दर्शन ये महाप्रसाद आसुवर दृश्य आप देखिले ये पुणी भक्त मैंने पुणी चले अर्थ कौन ये शून्य ब्रह्म कहले ठीक पूर्ण ब्रह्म कहले ठीक तेणु से दारव मूर्ति दारू कहीं आप चिंता करूँ महाप्रभु लोक कथार जदि आप आसबे तेल से होती दारूर ठाकुर दारू मान कहले वृक्ष निम वृक्ष आंब पणस पणस जहाँ कह जाए पणस खदीर विभिन्न प्रकार गच्छ अच्छी किंतु महाप्रभु निम वृक्ष को बेस पसंद कले निम वृक्ष दारू कारण कौन लोक कथा निम साधु जे मलय पवन काष्ठ को करती चंदन साधु होती मलय पवन साधु मानक स्पर्शरे अन्य माने उधार पाई जाती पवन स्पर्शरे किंतु आनंदर कथा
महाप्रभु निजे चंदन काठर भी मूर्ति होते किंतु ता महाप्रभु योग्य नुहे अर्थात आकार प्रकार हिसाब से निम वृक्ष पिता हेले सबुठ माने उपयोगी तेणु महाप्रभु निम आज पौष पूर्णिमा महाप्रभुंकर पुष्याभिषेक महाप्रभुंकर सुनावेश चारिथर सुनावेश मंदिर भितर से चारिथर सुनावेश महाप्रभुंकर मुख्य बेश भितर पेट पूरलानी महाप्रभु कहले नाई नाई जी सीना आसला मत देखला जे न आसी पारे सी केमी देख भर को तो कैमेरा अलाउ ना ताले कौन करा जीवो ना 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 तोर विविध बेश देखी निर्मल हेला बेनी आखी तेणु महाप्रभु बड़ तोड़ा बेश नाम सुनावेश रथ उपरकू महाप्रभु गले सेठी सुनावेश महाप्रभु महण महण सुनारे महाप्रभु सज्जित हेले ये हूँ लोकाचार महाप्रभुंर ये गोटे स्वतंत्र कथा जोटी वेद वेदांत पुराण इतिहास ये सब गोटे पटे महाप्रभु लोकाचार विधि गोटे पटे महाप्रभु महाप्रसाद आपण पाइबाक आसबे हांडी भांगी देले खांडी जो खपरार खाइले उधार मिली जाए जो खपरार जो खपरा को खांडी कहा जाए ता देह खाइबार आनंद ही अलग तेणु भक्त मैंने हाथ टेकी देउछंती महाप्रभु को दर्शन करने अति आनंद चित्तरे महाप्रभु जाउछंती माने भक्त माने जाउछंती महाप्रभु को दर्शन करिया पाई तेणु भगवान सदा बेले भक्त को प्राधान्य देइछंती एवं चारि धामर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करुछंती जगन्नाथ तेणु चारि जगार चारि शंकराचार्य दर्शन मिले जहाँ आज महोदधिया आलती आपण माने मध्ये देखुथिले महोदधिया आलती अर्थात महोदधी आलती महोदधी काईक आलती ना महोदधी जीए गले से पाद धोई दबो जीए जेते सेवार निपुण महाप्रभु ताकू सेतिकी सम्मान दियंती तेणु आज जगतगुरु शंकराचार्य निजे महाप्रभु माँ मुंडिया टीए मारी आसिकी कौन कले ना महोदधी महोदधी पुणी दीटा कथा आसे केते बेले से महाप्रभु ससुर तो केते बेले महाप्रभु सेवक दिन थिला एई महोदधी आसिकी महाप्रभु सिंहद्वार पद धौत करिवार सौभाग्य पाउथिला किंतु जेते बेले लोक मानक भक्त मानक असुविधा हला भासी जाउथला घर द्वार लोक कांदिले तेणु कौन ना तमें घुंची जाओ समुद्र घुंची गला जहाँ को केते उड़िया कथा आसे सतल से सतल हड़ी मठ मध्य अनेक मठ मंदिर समष्टि जी कहीं आसला श्रीक्षेत्र पुरी रे कोण अनुकोण रे कहीं ना कहीं टिके ना को माने माटी मिली गला से महाप्रभु नाम कीर्तन रे से मजी रहा से समस्ते गोटे कथा अति सुंदर भाव में समस्ते कही कौन जगन्नाथ 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 शरणम जगन्नाथ 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 पाही माम अर्थ एकमात्र दुई हाथ टेकुंट भक्त हाथ जोड़ी देखते आर अर्थ कौन ना जगन्नाथ को पाखे जगन्नाथ को समर्पण होजार अर्थ सबु देवता आशीर्वाद पाई इंद्र महाप्रभु बिना आदेश टोपाए बुंद भी जल दे पारे ना टोपाए जल दे पारे कुबेर बिना आदेश गोटे दाना भी दे पारे अग्नि बिना आदेश कौन सी जगार प्रज्वलित भी हे बिना आदेश रे पवन टिके मात्र बहिबे नाही सबुर इष्ट राजा तेणु महाप्रभु राज राजेश्वर बेश राजा दि राज बेश महाप्रभु श्री जगन्नाथ तेणु गोटे कथा आसे भारत वर्ष को पढ़ीब तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ भारत वर्ष को चिन्हिब तो विवेकानंद को चिन्ह किंतु सारा जगत को चिन्हिब तो जगन्नाथ को पढ़ अर्थ कौन आपण एठी गोटे सुंदर कथा देखिबे महाप्रभु सारा माने अन्य जिते जगार आपण देखिबे राम लक्ष्मण सीता माँ माँ कथा आसे स्वामी स्त्री कथा आसे अन्य जगार राधाकृष्ण तो जुगल मूर्ति सखी तेणु अनेक गुड़े कथा आसे शिव पार्वती कथा आसे कि जगन्नाथ पाखे भाई भौणी कथ एमती ठाकुर ये भाई भौणी बसी नीति पुणी एकांत नीति ये लोक कथार एकांत नीति पुणी अमावास्या नारायण रे विजे अनेक कथा तेरे हे महाप्रभु थापिवाकु तुम मूर तिमो क्षुद्र हृदय रे नाही बाट दुरु श्रीचरण अर्पण करुची घेन हे विश्व सम्राट परवर्ती भाष्यकार सम्य